छोटा शेफ अवधूत और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कॉर्न चाट। चाट मैं अपने टिफिन में भी लेके जाता हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगा। चलिए अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। मैंने बॉईल किए हुए कॉर्न लिए है जो मैंने 15-20 मिनट तक सुखा के रखे थे। ये रेड चिली पेस्ट और टर्मरिक, ये हरा धनिया और मिर्ची, ये मैंने ये बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, ये कॉर्नफ्लावर, ये मैदा और ये मैंने ब्लैक पेपर लिए है। सबसे पहले हम मैदा 3 टेबलस्पून डालेंगे और उसके बाद कॉर्नफ्लावर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लिए हमें जरा इसमें जरा पानी डालना पड़ेगा, तो मैं हाथ में जरा सा पानी ले रहा हूँ। ज़्यादा नहीं लेना है पानी आपको, नहीं तो अगर ये सब चिपक गया तो फ्राई करते वक्त ये कॉर्न उड़ भी सकते हैं। अगर आपको मैदा या कॉर्नफ्लावर अगर जरा ज़्यादा डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्न को पूरा वो कोटिंग हमें स्टिक कर। अब हम इसमें जरा सा कलर लाने के लिए थोड़ी हल्दी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये मेरे हिसाब से तो परफेक्टली गर्म हो चुका है, फिर भी मैं चेक करने के लिए एक कॉर्न का पीस डाल के देखता हूँ। तो आप भी देख सकते हैं इसमें बबल्स आने चालू हो गए हैं, तो मैं अभी धीरे धीरे करके सारे कॉर्न डाल दूंगा। अब हमारे कॉर्न तैयार हो रहे हैं। जब तक कॉर्न ऊपर नहीं आ जाते हमको इनको फ्राई करना है। गैस हमें लो फ्लेम पे ही रखना है, क्योंकि अगर हम फास्ट फ्लेम पे रखेंगे तो वो कॉर्न उड़ के हमारे हाथ पे भी आ सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि सारे कॉर्न ऊपर आ चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। मैंने कॉर्न को जो फ्राई किया था वही तेल लिए है। अभी हम इसमें लहसुन डालेंगे, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम लोग इसको 2-3 मिनट पका लेंगे। 2-3 मिनट होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ 2-3 मिनट ही पकाना है। 2-3 मिनट होने के बाद हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे और ग्रीन चिली के तुरंत बाद हम जल्दी से हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्च और धनिया डालने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना तीखा चाहिए और कितना नहीं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर इसमें कॉर्न डालेंगे। तैयार है। अगर यह रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी।